अपनी पैदावार बढ़ाने और सेहतमंद गोश्त हासिल करने के लिए अच्छी नस्ल के जानवर ही काफ़ी नहीं होते, बल्कि दधेल और खुश्क जानवरों के लिए मुतवाजन और सस्ती खुराक की मतलूबा फराहमी भी इंतहाई ज़रूरी है। कौमी ज़रई तहकीकती निज़ाम के तहत हमारे ज़रई माहिरीन ने जानवरों के लिए खुराक के अज़ा के तजिया करके इसे मुतवाजन बनाने के तरीके दरियाफ़्त किए हैं। तजुर्बा से साबित हो चुका है कि दधेल गायों और भैंसों के अलावा सेहतमंद गोश्त हासिल करने के लिए जानवरों का फरबा होना भी ज़रूरी है। अलावा ऐसी रवायती और महंगी खुराक को सस्ती और मुतवाजन बनाना भी असर जरूरी है। तजुर्बात और नई तहकीकात की रोशनी में महंगी खलों अस किस्म बनौला, तारामीरा और तोरिया की मकदार कम करके इनमें यूरिया खाद और दीगर सस्ते अज्जा शामिल करके मुतवाजन बनाना मुमकिन है। किसान भाई अज खुद ही ऐसी मुतवाजन और सस्ती खुराक बनाकर काफ़ी बचत कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के लिए मुतवाजन और सस्ते गजाई वंडे तैयार करने के फार्मूले बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप खुद वंडे तैयार करें और अपनी आमदन में इजाफा करें। दुधेल जानवरों के लिए मुतवाजन वंडा बनाने का फार्मूला, अज्जा का फार्मूला नंबर एक और इसमें शामिल गजाई अज्जा का फीसद तनासुब। खाल बनौला 18%, मेस ग्लूटेन फीड 20%, चौकर गंदम 35%, शीरा राब 25%, खुरदनी नमक 1%, चूरा हड्डी या डाई कैल्शियम फास्फेट 1%। इस चारे में लहमियात 14% और काबिल हजम अज्जा 65% तक पाए जाते हैं। अज्जा का फार्मूला नंबर दो और इसमें शामिल गजाई अज्जा का फीसद तनासुब। खल सरसों 40%, चौकर गंदम 43%, शीरा राब 15%, खुरदनी नमक 1%, चूरा हड्डी 1%। इस चारे में लहमियात 20% और काबिल हजम अज्जा 69% तक पाए जाते हैं। अज्जा का फार्मूला नंबर तीन और इसमें शामिल गजाई अज्जा का फीसद तनासुब। खल सरसों 15%, खल सूरजमुखी 26%, चौकर गंदम 30%, यूरिया 2%, शीरा राब 25%, खुरदनी नमक 1%, चूरा हड्डी या डाई कैल्शियम फास्फेट 1%। इस चारे में लहमियात 20% और काबिल हजम अज्जा 70% तक पाए जाते हैं। गायों भैंसों को गजाई अमेसे के अलावा 40 से 80 किलोग्राम सब्ज चारा और 3 से 5 किलोग्राम तूड़ी या कतरी हुई प्राली की जरूरत होती है। अगर गाय भैंस रोजाना 3 लीटर दूध देती हो और इसे अच्छी किस्म का सब्ज चारा पेट भर कर मुयसर हो तो इसे गजाई अमेसा देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन 3 लीटर से ज्यादा दूध देने वाली गाय भैंस को हर 3 लीटर दूध के लिए 1 किलोग्राम गजाई अमेसा देना जरूरी होता है। खुश्क जानवरों के लिए मुतवाजन गजाई वंडा बनाने का फार्मूला, अज्जा का फार्मूला और इसमें शामिल गजाई अज्जा का फीसद तनासुब। खल तोरिया 18%, शीरा राब 20%, यूरिया मिली तुड़ी यानी गंदम का भूसा 60%,
खुरदनी नमक 1%, चूरा हड्डी या डाई कैल्शियम फास्फेट 1%। इस चारे में लहमिया 10% और काबिल हजम हिस्सा 60% तक पाए जाते हैं। ये गजाई अमेजा खुश्क जानवरों के अलावा सब्ज चारे की किल्लत के दौरान दुधेल जानवरों को भी खिलाया जा सकता है। गाय भैंस ये अमेजा 15 से 20 किलोग्राम तक खाकर जिस्मानी सेहत को बखूबी कायम रख सकती है। अगर गजाई अमेजे के साथ हर जानवर को 2 किलोग्राम सब्ज चारा फराहम कर दिया जाए तो हयातीन अलिफ यानी विटामिन ए की जरूरत पूरी हो जाती है। तूड़ी में यूरिया मिलाने का तरीका, 1 किलोग्राम यूरिया को लकड़ी की छड़ी की मदद से 24 लीटर पानी में अच्छी तरह हल करें। फिर 25 किलोग्राम तूड़ी की बारीक तह जमीन पर बिछाकर ये तमाम महलूल इस पर छिड़कें। इस तरह तूड़ी को तह दर तह बिछाकर महलूल छिड़कते जाएं। जब तूड़ी की मतलूबा मिकदार पर छिड़काव हो जाए तो इसके ऊपर सादा तूड़ी बिछाकर मिट्टी से लेप करते हैं। 3-4 हफ्तों के बाद तूड़ी खुराक में मिलाने के काबिल हो जाती है। जानवरों को फरबा करने के लिए मुतवाजन गजाई वंडा बनाने का फार्मूला, अज्जा का फार्मूला नंबर 1 और इसमें शामिल गजाई अज्जा का फीसद तनासुब। किन्नू या माल्टे का खुश्क छिलका 20%, खल बनौला 30%, चौकर गंदम 27%, शीरा राब सिर्फ कटड़ों और बछड़ों के लिए 12%, तूड़ी 10%, नमकियात 1%। इस चारे में लहमियात 11% और काबिल हजम हिस्सा 66% पाए जाते हैं। अज्जा का फार्मूला नंबर 2 और इसका फीसद तनासुब ये है। खल बनौला 10%, चौकर गंदम 20%, यूरिया 2%, शीरा राब 30%, भूसा गंदम 35%, खुरदनी नमक 1%, चूरा हड्डी या डाई कैल्शियम फास्फेट 1%। इस वंडे में लहमियात की मकदार 16% और काबिल हजम अज्जा की मकदार 60% होती है। जानवरों को फरबा करने के लिए जितना गजाई अमेजा खा सके मुहैया करना चाहिए। तजुर्बात से साबित हो चुका है कि कटड़े बछड़े 3-8 किलोग्राम और छतरे बकरे 250-2 किलोग्राम तक गजाई अमेजा खा जाते हैं। इब्तदा में जानवर थोड़ी खुराक इस्तेमाल करते हैं जो बढ़कर कटड़ों और बछड़ों के लिए 8 किलोग्राम और छतरों और बकरों के लिए 2 किलोग्राम तक हो जाती है। गजाई अमेजे के साथ हर जानवर को 2 किलोग्राम सब्ज चारे की फराहमी भी जरूरी है। दूध पीते बच्चों के लिए मुतवाजन वंडा बनाने का फार्मूला, गजाई हिस्सा और इनका फीसद तनासुब ये है। मकई या जवार 17%, बगैर छिलके के खल बनौला 28%, बरसीम जई खुश्क 28%, मेज ग्लूटेन फीड 20%, शीरा राब 5%,
नमकियात 1%, खुरदनी नमक 1%, इस वनडे में लहमियात का तनासुब 18% और काबले हजम अज्जा का तनासुब 68% होता है। दूध पीते लेलों, कटरों और बच्चों को गजाई हमेशा अवाइल उम्र से ही फ्राहम करना शुरू कर देना चाहिए। इस तरह बच्चे हफ्ते दो हफ्ते की उम्र में सब्ज चारे के साथ साथ ये गजाई हमेशा खाना शुरू कर देते हैं और दूध की काफ़ी बचत हो जाती है। 1.5 महीने की उम्र में जब बच्चे अपनी ठोस गजाई जरूरियात इस गजाई अमेजे से पूरी करना शुरू कर दें तो दूध छुड़ा कर 4 माह की उम्र तक बच्चों को इस गजा पर रखना चाहिए। इसके बाद गजाई अमेजे की मकदार आहिस्ता आहिस्ता घटाकर 6 माह की उम्र पर बच्चों को मुकम्मल तौर पर सब्ज चारे पर लाने से बच्चे जल्द नशोनुमा पाते हैं। कटरों और बच्चों के लिए बढ़ोतरी राशन। इस राशन के गजाई अज्जा और इनका गजाई तनासुब ये है। खल बनौला 15%, चौकर गंदुम 43%, भूसा गंदुम 20%, शीरा राब 20%, नमकियाती आमेसा 2%, इस वनडे में लहमियात की मकदार 10% और काबले हजम अज्जा की मकदार 64% तक होती है। कटरों बच्चों का दूध 90 दिन की उम्र में छुड़ाकर 15 किलोग्राम सब्ज चारा और 1 किलोग्राम बढ़ोतरी राशन खिलाना शुरू कर दें और सन्न बलोगत को पहुंचने तक जारी रखें। वजन में हर 25 किलोग्राम इजाफा होने पर निसफ किलोग्राम राशन बढ़ा दें। उम्मीद है कि आप इन फार्मूलों से खुराक तैयार करके अपने जानवरों की गजाई जरूरियात को बखूबी पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा किसी भी किस्म के जरई मशवरे और मसाइल के हल के लिए PARC की टोल फ्री हेल्पलाइन 0800 844 20 पर पीर ताजुमा सुबह 9 बजे से सुपहर 3 बजे तक मुफ्त कॉल करें।